हेलो एवरीबॉडी, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इनक्रेडिबल गेमिंग यूट्यूब चैनल में। तो आज मेरे पास पबजी मोबाइल इंडिया टूर्नामेंट से रिलेटेड, पबजी मोबाइल इंडिया गेमिंग कम्युनिटी से रिलेटेड और बहुत सारी अमेजिंग न्यूज़ है स्ट्रीमर से रिलेटेड, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अपनी पहली न्यूज़ आ रही है क्रॉन्टन को लेकर। तो क्रॉन्टन ने बोला जैसे ही जिस दिन भी पबजी मोबाइल इंडिया वर्जन आएगा वो उसी दिन लाइव 100K की क्रेट ओपनिंग करने वाले हैं। तो गाइस लेट्स सी कब तक पबजी मोबाइल इंडिया वापस आता है और क्रॉन्टन 100K की क्रेट ओपनिंग करते हैं। अपनी अगली न्यूज़ है नोबल ईस्पोर्ट्स को लेकर। तो नोबल ईस्पोर्ट्स ने अनाउंस कर दिया उनका वाइल्ड रिफ्ट का रोस्टर, तो आप मेरे मोबाइल स्क्रीन पे देख ही सकते हो कि उनके वाइल्ड रिफ्ट रोस्टर के अंदर कौन कौन होने वाला है। अपनी अगली न्यूज़ है पबजी मोबाइल टूर्नामेंट को लेके। तो गाइस एक रिपोर्ट सामने आई है जो कि कह रही है 2021 के अंदर मोबाइल ई स्पोर्ट्स के अंदर सबसे बड़ा पबजी मोबाइल टूर्नामेंट करवाने वाला है इन द टर्म्स ऑफ प्राइस पूल। गाइस वो देखते हैं कि पबजी मोबाइल कितना बड़ा प्राइस पूल रखता है 2021 के अंदर। अगली न्यूज़ है सोल और 8-bit को लेके। जैसे आप सभी को पता ही है 8-bit की लाइनअप डिसबैंड हो चुकी है और सोल की लाइनअप के अंदर ब्लेजी और सांगवान ने छोड़ दिया है। तो गाइस जो 8-bit के अंदर अक्षु थे वो डेफिनेटली 101% सोल ज्वाइन करेंगे और घातक ने भी कंफर्मेशन ये दिया है। तो जो सोल का लाइनअप होने वाला है उसमें आप सभी को देखने को मिलेंगे वाइपर, रेगल्टॉस, अक्षु और चौथा प्लेयर, वो देखते हैं कि वो कौन सा ज्वाइन होता है क्योंकि मोर्टल एज अ सिक्स्थ प्लेयर खेलने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि पबजी मोबाइल इंडिया और इंडियन गेमिंग कम्युनिटी से रिलेटेड न्यूज हर रोज शाम को 7 बजे मैं आप सभी के लिए लेके आता रहूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नहीं किया हो तो। न्यूज है ऑक्सीजन ईस्पोर्ट्स को लेके। तो गाइस एक न्यू ऑर्गेनाइजेशन ईस्पोर्ट्स एंटर करने वाली है इंडिया के अंदर और सबसे पहले उनका जो न्यू मेंबर ज्वाइन किया है उनकी लाइनअप को, पबजी एम लाइनअप को, वो है रौनक। तो रौनक ने ज्वाइन कर लिया ऑक्सीजन ईस्पोर्ट्स और देखते हैं बाकी के कौन से 3 प्लेयर और रिवील करते हैं ऑक्सीजन ईस्पोर्ट्स। अपनी अगली न्यूज है पबजी मोबाइल के अचीवमेंट को लेके। तो गाइस एक रिपोर्ट सामने आई है जो कि कहती है 2020 के अंदर पबजी मोबाइल ईस्पोर्ट्स ने 1 बिलियन व्यूज गेन किए हैं और 100 मिलियन का आवर्स का वॉच टाइम गेन किया। अगली न्यूज़ है इंडिया का गेम राजी जो कि नॉमिनेट हुआ है बेस्ट डेब्यूट इंडिया गेम एट द गेम ऑफ अवार्ड्स। तो गाइस देखते हैं कि नॉमिनेट तो हो गया है, अब कौन इसका विनर बनता है। अपनी अगली न्यूज़ है IGPL ईस्पोर्ट्स को लेके। IGPL ईस्पोर्ट्स ने बोला इंस्टाग्राम पे कि उनकी तरफ से कुछ अनाउंसमेंट आने वाली है, तो लेट्स सी उनकी तरफ से क्या अनाउंसमेंट होती है। अगली न्यूज़ है पबजी मोबाइल लीग को लेके। तो बेसिकली अभी तक तो पबजी नहीं आया गाइस, क्या पता आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो जब तक पबजी आ गया हो, और जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं जब तक तो पबजी नहीं आया, तो इसी बेसिस पे मैं ये न्यूज़ दे रहा हूं। तो गाइस अभी तक तो पबजी नहीं आया मगर एक लीक सबसे बड़ी ये सामने आई है कि रात को 12 से 2 बजे के बीच में पबजी के .in इंडियन वेबसाइट पे कुछ एक्टिविटी देखने को मिली थी जिसकी मदद से पबजी मोबाइल का डाउनलोड सेक्शन आ रहा था और उसके थोड़े समय बाद ही उस पेज को फिक्स कर दिया और वो पेज अब आपको देखने को नहीं मिलेगा। इससे ये पता चलता है कि पबजी मोबाइल बैकएंड में बहुत सारे प्लानिंग और सब कुछ कर रहा है, लॉन्च होने की सारी तैयारी कर रहा है मगर अभी तक लॉन्च नहीं किया। तो इसका सबसे बड़ा कारण जो निकल के आ रहा है वो यही है कि हाइप, क्योंकि इंडियन ऑडियंस ने बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट कर दिया और पबजी मोबाइल यही चाहता है कि उनकी एडवर्टीजमेंट हो, उनकी गेम के बारे में पता चल जाए सबको जिनको नहीं पता हो, और जैसे ही अगर आप ये हाइप कम होगी तो पबजी मोबाइल खुद ही गेम डाल देगा। तो यही कारण है जो सारे के सारे स्ट्रीमर्स और न्यूज जो भी निकल के आ रही है कि यही कारण है कि आप कोई भी उम्मीद मत करो, कोई भी ज्यादा हाइप क्रिएट मत करो। बाकी आप सभी का क्या कहना है इस स्टेटमेंट के ऊपर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और पबजी मोबाइल का डिले होने का कारण यही है कि हाइप, पबजी मोबाइल ये सोच रहे होंगे कि जब तक हाइप है जब तक वो गेम लॉन्च नहीं कर रहे हो, क्या पता उनका प्लान यही हो, जैसे ही हाइप कम होगी तो गेम वो जल्द से जल्द लॉन्च कर देंगे। तो गाइस अब तो कोई उम्मीद अपन रख नहीं सकते, बाकी ऑफिशियल का ही अपन को वेट करना होगा। यही थी आज के लिए कुछ इंडियन गेमिंग कम्युनिटी न्यूज़ में। उम्मीद करता हूँ गाइस आपको वीडियो बहुत ज़रा पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने सभी दोस्तों के साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना फॉर डेली गेमिंग न्यूज़ एंड अपडेट्स। तो गाइस मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, टिल देन स्प्रेड पॉजिटिविटी।